Now, in today's discussion, we are going to discuss what is obesity, how will you define it, what is the incidence, how will you measure it, what are the problems of obesity, what increases the obesity, how will you manage it, how much calories you should take, what you should eat, what you should not eat, what should be the timing of the eating, what should be the exercise, what are the type of the exercise, aerobic, anaerobic, muscle strength, muscle endurance, isotonic, isometric, and kab, kaise, kitni aur kaun si. This is the most important thing which we should know. Kab karni hai, kitni karni hai, kaise karni hai. These are very important things which we are going to discuss. And we will also discuss do's and don'ts of the diet and do's and don'ts of the exercise. Most of the things were discussed by Dr. Neerja, but we are going to repeat few of them so that you can keep the things in your mind in which you are supposed to focus. किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है ये जानने के लिए कुछ चीजें हम रिपीट करेंगे. अब जैसे कि इंसिडेंस की यदि बात करें तो इंडिया में 27 मिलियन चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी ओबीज. 27 मिलियन जो कि यूनाइटेड स्टेट से भी 17 मिलियन ज्यादा है. यूनाइटेड स्टेट में 17 मिलियन है, हम लोग 27 मिलियन है, 10 मिलियन ज्यादा है. तो ये एक ऐसा एपिडेमिक होने जा रहा है हमारे शहर, हमारे देश में. यदि इसको हमने टाइमली कंट्रोल नहीं किया तो इंडिया की एक पहचान हुआ करती थी. जिस तरह से हमारे देश में वेस्टर्न कल्चर आता जा रहा है, जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, जिस तरह से हम वेस्टर्न चीजों को फॉलो कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमें वेस्टर्न इलनेसेस की तरफ ले जा रही है. ओबेसिटी एक टाइम पे वेस्टर्न इलनेस मानी जाती थी, इंडियन इलनेस नहीं मानी जाती थी. डायबिटीज इंडिया नाउ इज एपिडेमिक ऑफ द डायबिटीज. क्यों? वन ऑफ द रीजन इज द ओबेसिटी. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वी आर, हमें अभी इसी समय अपने आप को संभालना है. यदि हम बहुत ज्यादा जो डिसीजेज जो कि कम्युनिकेबल नहीं है, अनकम्युनिकेबल डिसीजेज से हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो उसमें से एक फैक्टर ये है कि हमें अपने आप को ओबेसिटी से बचाना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया में बहुत तेजी से ओबेसिटी बढ़ रही है. मैंने बताया ओवरवेट इंडिया में 8.4 से 15.5% हो गए हैं और ओबेसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 5 ऑफ ओबेसिटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं. व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द ओबेसिटी? मेन कॉज ऑफ ओबेसिटी इज द लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. एंड होता क्या है कि हम एनर्जी लेते ज्यादा हैं और निकालते, मतलब हमने एनर्जी इंटेक ज्यादा किया और उतना खर्च नहीं किया. जब हमारा इंटेक लंबे समय तक बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर आप ओबीज हो जाते हो. तो हमको एक ऐसी लाइफ स्टाइल अपनानी है जिसमें हमारा इंटेक और आउटपुट कैलोरीज का कम से कम सबसे पहले बराबर तो रहे. यदि आप इंटेक और आउटपुट बराबर कर लेंगे तो कम से कम और वजन तो नहीं बढ़ेगा आपका. जहां आप हैं वहां आप स्टैटिक हो जाएंगे. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपनी कैलोरीज पर ध्यान देना है. हमको ये समझना है कि हमें कितनी कैलोरीज लेनी और कितनी खर्च करनी है. अनदर थिंग जो ओबेसिटी में आता है वो आता है बैड न्यूट्रिशन हैबिट. हम लोग कभी भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कहीं भी खा रहे हैं, जो मन में आ गया वो खा रहे हैं. किसी दिन हमने तला हुआ खा लिया तो सारे दिन तला हुआ खा रहे हैं. और बेसिकली मोस्ट ऑफ द फूड हमारा जो होता है वो बैलेंस नहीं होता. जैसे कि डॉक्टर नीजा ने बताया कि वेजिटेबल्स हमारे फूड में कलर्ड वेजिटेबल्स नहीं होती. हमारे खाने में जैसे कि हमें कितना आलू, कितना घी, कितना चावल, कितनी हरी सब्जियां, कितना सलाद, कितना फल, किस चीज को कितना कितना खाना है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. एंड द थिंग इज द जीन. कुछ लोगों को ये कहते हैं मैडम हम बहुत कम खाना खा रहे हैं फिर भी हमारा वजन नहीं कम हो रहा. तो जीन्स इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर कि जिन लोगों में जीन्स प्रीडिस्पोजिशन होता है उन लोगों में वजन कम करना ज्यादा मुश्किल होता है. फैमिलीज में ओबेसिटी चली आ रही है तो उसको कम करने में बहुत दिक्कत होती है. तो मेन कॉजेज ऑफ ओबेसिटी में सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हम कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, खाने में क्या खा रहे हैं और हमारे साथ कोई जेनेटिक फैक्टर या कोई डिसीजेस तो नहीं है. एक चीज डॉक्टर आरती मैं अभी इसमें कहती हूँ कि हम लोग जब बचपन में देखते थे इतने जिम्स नहीं होते थे, हम लोग सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी अपने घरों में करते थे. अब देखो इतने जिम्स अवेलेबल है, इतनी इक्विपमेंट अवेलेबल है, फिर भी हम लोग अभी होते जा रहे हैं. तो दिस इज समथिंग ऑफ कंसिडरेशन कि वेयर हैव वी गॉन रॉन्ग. अन्ना जी मेरे को ये लगता है हमने अपने बच्चों को जो घर में बंद करना शुरू किया है
हमने डर की वजह से बच्चों का बाहर खेलना बंद किया है, हमने बच्चों को बिल्कुल पैक करके रखते हैं ना घर में, और पढ़ाई के चक्कर में हम बच्चों को कोई भी एक्टिविटी नहीं करने देते और हर चीज उनको उनकी टेबल पे देते हैं, चाय भी टेबल पे, खाना भी टेबल पे। हमारे घर में कोई आ गया तो बच्चों से कहेंगे भाई नहीं आप बंद रहिए अंदर, आपको बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे गेस्ट कौन आए हैं। तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स जिसकी वजह से हम बच्चों में ओबेसिटी प्रमोट कर रहे हैं कि उनके कैरियर के बहाने हम उन बच्चों को कहीं भी नहीं निकलने देते, और चाहे हमारे बच्चे का कैरियर बने ना बने हम अपने बच्चे की हेल्थ को लॉस करते हैं। तो हम सबका ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चों का कैरियर क्या होगा वो डिसाइड होगा जब जब बच्चे हमारे पहुंचेंगे 12th के बाद ग्रेजुएशन में, और शुरू कर देते हैं हम तीसरे क्लास से, पहले क्लास से, कि हमारा बच्चा टॉप करना चाहिए। तो मुझे लगता है हमें इन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है वंदना जी। चलो लेट्स आस्क द पैनलिस्ट आल्सो ऑल दिस। एनी पैनलिस्ट वुड लाइक टू गिव एनी इनपुट ऑन दिस? यस, गुड इवनिंग मैम। मैं इसमें बिल्कुल आपसे अग्री करती हूँ, एंड मुझे बहुत बड़ा रोल इसमें एक हाउस हेल्प्स का लगता है। हम लोग इतने ज़्यादा अपनी लाइफ में, करियर में, इतनी चीज़ों में हो गए हैं कि हम लोग टोटली डिपेंडेंट ऑन हाउस हेल्प हो गए हैं, विच इज़ अ वेरी बिग फैक्टर फॉर वेट गेन। अगर हम अपना डे टू डे अपना काम थोड़ा थोड़ा करें, अपना कमरा साफ करें, झाड़ू पोछा करें, तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी थ्रू आउट द डे डिवाइड होगी। नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, पूरे दिन एट रेस्ट है, एक घंटा जिम करके हम लोग सेटिस्फाइड हैं, बट नॉट रियलाइजिंगली कि 24 आवर्स में सिर्फ 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज इज नॉट इनफ। वी हैव टू बी एक्टिव थ्रू आउट द डे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिगार्डिंग द चिल्ड्रन की जो बोला कि हम लोग बच्चों को काम नहीं करने देते हैं, वो एकदम ट्रू है। बट पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो स्कूल में हमेशा एक पीटी क्लास होती थी ना, एक्सरसाइज की क्लासेस हमेशा होती थी। नाउ दे हैव ऑल फिनिश्ड, अब ना कोई गेम पीरियड होता है और ना ही कोई पीटी क्लासेस होती हैं। तो बेसिकली द चिल्ड्रन और घर में आके ट्यूशन है, होमवर्क है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो दे हार्डली गेट टाइम टू एक्सरसाइज। सो वी मस्ट ट्राई कि बच्चे कम से कम 45 मिनट से एक घंटा फिजिकल एक्सरसाइज करें। दैट विल इंक्रीज देयर मेटाबॉलिज्म आल्सो एंड अदर हार्मोनल फॉर द ग्रोथ। आजकल ये एक चीज और भी देखी है, इफ यू गो टू द पार्क्स, बिकॉज ऑफ द कोरोना टाइम्स द स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर क्लोज, यू सी ऑल द चिल्ड्रन एक्सरसाइजिंग इन द पार्क्स। जो चीज ये बेसिकली स्कूल्स, ट्यूशंस, इसने सब पीछे बैकहैंड पे कर दी थी एक्सरसाइज, विच इज नाउ कमिंग आउट इन दीज टाइम्स दैट पीपल आर गोइंग टू द पार्क्स, दे आर एक्सरसाइजिंग, और पूरी पार्क में रौनक लगी होती है बच्चों की और बड़ों की। पार्क्स और बढ़ने भी चाहिए, पार्क्स तो कम होते होते वहाँ बिल्डिंग्स बन रही हैं, दैट आल्सो हैज टू बी सीन बाय द सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि स्कूलों में तो भी बच्चों के लिए खेलने की काफी चीजें हैं। अब जैसे हम लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जैसे स्कूल में, वहाँ सभी जगह एक घंटा कम से कम उनको गेम्स के लिए दिया जाता है, फुटबॉल है, बच्चे वहाँ पर काफी, बैडमिंटन है, सारी फैसिलिटीज हैं। पर ये है कि वो जब वो घर पे आ जाते हैं तो हम उनको फिर नहीं खेलने देते हैं, उनको ट्यूशन में लगा देते हैं, पढ़ाई में लगा देते हैं, हम एक अंधी दौड़ में चल रहे हैं कॉम्पिटिशन की, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। शायद यही वजह है कि हमारे बच्चे ओवरवेट होते जा रहे हैं, और उसके साथ में जो उनका जब पढ़ने में मन पढ़ने से उब जाते हैं तो उनको अच्छा घर का खाना अच्छा नहीं लगता, फिर उनको ऑर्डर करना है, पिज्जा ऑर्डर करना है, कोल्ड ड्रिंक लेनी है। मुझे लगता है ये सारे फैक्टर्स मिलकर ही हमारे बच्चों के मोटापे की तरफ अक्षर कर रहे हैं। और मेरा इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि ये जो एक एरा चल रहा है, जो डिजिटल एरा चल रहा है, जिसमें कि जिंदगी एक मोबाइल और लैपटॉप में सिमट कर रह गई है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ओबेसिटी के बढ़ने का। यहाँ पर हमें, इसीलिए हमें यहाँ पर ये ध्यान रखने की जरूरत है कि चाहे हमें वेट रिडक्शन करना है चाहे नहीं करना है, पर हमें एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में शामिल जरूर करना है। बच्चों का टीवी के सामने बैठ के खाना, फैमिली का टीवी के सामने बैठ के खाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है, क्योंकि बस वो सॉलो करते जाते हैं। देयर इज नो वे ऑफ ईटिंग कि भाई आपको च्यू करना है, कुछ नहीं है, बस सॉलो करो, टीवी देखो बस। तो ये मैडम, ये भी हो सकता है कि वो फॉलोअर्स है तो पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। Yes, exactly. ये देखा है कि पेरेंट्स ही नहीं, माता जी कहती है तू बेटा इसको सीरियल को देख ले और खा, वो बहुत प्रॉब्लम की बात है। आई वॉन्ट टू से वन थिंग हियर ओनली, वी शुड कल्टिवेट ए स्पोर्ट इन आर चिल्ड्रंस लाइफ, कि वो कम से कम कोई भी एक स्पोर्ट अपना शौक बना के सारी जिंदगी उसको अपने साथ ले जाएं। मेरा यहाँ पे सिर्फ एक यही सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है सबके लिए।
Yes, मैम और एक प्रॉब्लम और भी है आजकल सम ओवर प्रोटेक्टिव मदर्स जिनके पास सिंगल बेबी है मैंने देखा है मेरे क्लिनिक पे आएंगे बच्चे के एक हाथ में चिप्स का पैकेट है एक हाथ में चॉकलेट है और वो चौंक चौंक खाता जा रहा है फिर भी मदर्स आके कंप्लेन करेंगी बच्चा कुछ खाता नहीं है वेइंग स्केल पे हम खड़ा करेंगे बच्चा ओबीस है पर हम ओबीस उसके चार्ट पे लिख नहीं सकते नहीं तो बच्चा ऑफेंड हो जाएगा हमने एक स्कूल के साथ भी कैंप किया तो वहां प्रिंसिपल ने क्लियरली कहा कि आप जो बच्चे ओवरवेट हैं उनके चार्ट पे ओबीस नहीं लिखेंगे नहीं तो पेरेंट्स रिवोल्ट करेंगे और बाद में कंप्लेन करेंगे कि आपने हमारे बच्चों को लुक डाउन अपॉन करा है तो पेरेंट्स ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि अगर बच्चा ओवरवेट है तो उस प्रॉब्लम को कब सॉल्व करना है बिकॉज आई फील द अर्लियर द बेटर 8-9 साल की उम्र में ही नॉर्मली ओबीस बच्चे वेट गेन करने लग जाते हैं तो अगर उसी को हम तभी चेक करें तो बेटर है रादर देन वेटिंग की 25-26 तक आकर जब शादी की उम्र होती है तब हम उसको टैकल करें बिल्कुल वेरी राइट और इसमें ये भी होता है ना मैम जो कंटिन्यूटी रहता है ना वो नहीं रहता हम स्टार्ट कर देते लेकिन लॉन्गर टाइम तक जो वो चालू रहना चाहिए वो नहीं रहता है उसकी वजह से जो कम किया है वो बाउंस हो जाता है तो वो मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है मेंटेन रखने के लिए तो वो भी ज्यादा फोकस होना चाहिए लेट अस मूव फर्दर व्हाट कॉजेस ओबेसिटी लैक ऑफ एनर्जी बैलेंस जीन्स एंड सम ड्रग्स आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द जीन्स फॉर द ओबेसिटी मेडिकेशंस एल्कोहल ड्रिंकिंग इमोशनल फैक्टर्स कई बार क्या होता है घर में लड़ाई होगी और हम पता लगा उस लड़ाई को शॉर्ट आउट करने के लिए बैठ के खा रहे हैं पति से नहीं बनी बच्चे से झगड़ा हो गया सास ससुर से कुछ हो गया तो उस समय बहुत ज्यादा होती है स्मोकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कई बार पेशेंट कुछ ऐसे मेडिकेशन पे होता है जिससे कि उसका वजन बढ़ता है वी आर कमिंग टू दैट वॉट आर द अदर कॉजेज ऑफ द ओबेसिटी प्रेगनेंसी लैक ऑफ स्लीप If whenever we are sleeping for less than 8 hours, जब हम कम देर सोएंगे तो उस घंटे में हम जरूर खाएंगे और जब हम जो भी रात को खाएंगे वो हमारा वजन बढ़ाएगा तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड स्लीप फॉर मिनिमम फॉर 8 hours. हम लोग बात कर चुके हैं इनएक्टिव लाइफ स्टाइल की वर्क शेड्यूल्स की अधिकतर हम लोगों के जो आजकल काम होते हैं स्पेशली आजकल के दौर में जो भी काम हो रहे हैं वर्क फ्रॉम होम हो रहा है ऑन द लैपटॉप हो रहा है उसके बाद बच्चे कोई कहीं जाते नहीं है रात को 12-1-2 बजे सो रहे हैं सुबह 12 बजे उठ रहे हैं नाउ दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्म ऑफ द यंग जनरेशन कि 12 बजे सोना 2 बजे सोना और सुबह 12 बजे उठना तो दिस इज द अल्टीमेटली दीज थिंग्स आर हैम्परिंग द लाइफ एंड हैम्परिंग द एक्सरसाइज ऑल्सो फूड एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा फूड एडवर्टाइज हो रहा है लैक ऑफ नेबरहुड साइड वॉक्स एंड सेफ प्लेसेस and laziness to cook the food. This is also very important. Mothers आजकल food cook नहीं करना चाहती वो चाहती है भाई हफ्ते में 2-3 दिन हमें बाहर खाना खाना है शाम को तो खाना ही खाना है उन्हें खाना बनाना आजकल आवत लगने लगा है तो इस तरह की generation भी हम लोगों के बीच में बढ़ रही है कि वो बहुत ज्यादा किचन में काम नहीं करना चाहती और वो प्रिफर करती है कि बच्चा बजाज से पिज्जा मंगा ले बर्गर मंगा ले दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर नाउ दिस इज फॉर डॉक्टर वंदना यू हैव टू आस्क Yes, now I have to ask the panelists ki what are the diseases in this modern era we are facing which is leading to weight gain? Dr. Savita? Yes, PCOD is the main factor in these adolescent girls. So many girls are coming to our OPDs for this problem. And PCOD is like the girl is overweight, then she is having less periods, then she is again not doing any exercise, again gaining more weight, and it is a cycle. And unless she put on efforts to reduce the weight, it is very difficult to treat the PCOD. Because in most of the cases, PCOD girls are obese. Sometimes it is also in the thin girls, but mostly PCOD problem is found in the obese girls. So this is one of the main cause, and insulin resistance is there. So we have to do the proper exercise and diet at this particular time to the girl. Second thing is, as we all know, it is also patient is having some genes in her family. जिनके घर में कुछ लोग होते हैं पतले खूब खाते हैं फिर भी पतले रहते हैं पर कुछ families होती हैं जिनमें genes ऊपर से आते हैं और इनमें क्या होता है adipocytes होती हैं वो हो जाती हैं मतलब family में चलती हैं कि उसके adipocytes बहुत ज्यादा हैं अगर वो कुछ भी खाएगा तो उसमें कैंसर हो जाएगा पेट में और पेशेंट दैट गर्ल और भी बच्चा होगा या फीमेल होगी आफ्टर डूइंग अ वेरी मच एफर्ट ऑफ डाइटिंग एंड एक्सरसाइज वेट एक लेवल पे फिक्स हो जाता है बट दीज पीपल इफ दे आर डूइंग द
हैविंग गुड स्टैमिना, तो हम इसको बीमारी लोगों में यूजुअली बीमारी होती भी नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनके वेट अच्छा होता है पर उनमें कोई शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं होता। अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपना डाइट कंट्रोल कर रहे हैं तो खाली वेट के ऊपर ही हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो हार्मफुल है इन केसेस में, अगर ऐसा है। इसके बाद है जो लोग दवाइयां खाते हैं एंटी डिप्रेसेंट पे होते हैं, दीज पीपल आर ऑल्सो गेनिंग वेट बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन। और दूसरी चीज होती है कि जो डिप्रेशन की वजह से भी लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं। जब हम लोग भी अगर थोड़ा सा डिप्रेशन में हुए, कोई पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हुई, तो हम लोग भी उसको अपना एंजॉयमेंट खाने पे ही से ही अपने को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है कि आजकल का जो खाना है उसमें जैसे अभी डिस्कस हो चुका है, तो हमें बेसिकली इन लोगों की फैमिलीज को काउंसिल करना होता है। इफ समबडी विद अ पीसीओ कम्स इन, आप दूर से उसको पहचान लेते हो कि ये गर्ल पीसीओ है, उसको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, उसको वेट गेन है, पर वो मदर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है। वो कहती है कि नहीं नहीं मेरी बच्ची तो ठीक है, उसका वेट नहीं है। सो यू हैव टू काउंसिल द मदर ऑल्सो, एनीबडी हु हैज अ वेट गेन इन द फैमिली, यू हैव टू काउंसिल अ फैमिली मेंबर सो दैट उसको मॉरली भी सपोर्ट करें और उसको हेल्प करें कि वेट लूज हो, और जो हार्मोनल प्रॉब्लम है अगर करेक्ट हो तो वो वेट लॉस वैसे भी हो जाता है। तो काउंसलिंग इज वन फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज पेशेंट्स। पीओडी में बेसिकली डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस एक्सरसाइज प्लेज अ रोल। बिल्कुल, लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए ही सबसे पहले करना है उनको। वी हैव टू टेल देम अबाउट द डाइट, द लाइफस्टाइल चेंजेस, सो दैट कि वो अपने आप ही इस प्रॉब्लम को अपने हाथ में रखें और कंट्रोल करके रखें। यूजली मैं मदर्स को ये एडवाइस करती हूँ ओपीडी में, क्योंकि वो लोग भी थोड़ा थोड़ा सब भी फैटी होती है, कि तुम वही खाना खाओगी जो तुम्हारी बेटी खाएगी, तुम भी वही एक्सरसाइज करो जो तुम्हारी बेटी करेगी। तब दोनों जब करते हैं तो इफेक्ट बहुत अच्छे आते हैं। मैम एक चीज मुझे भी कहनी है इसमें, मेरे पास एक दो केसेस रिसेंटली बहुत वियर्ड आए जिसमें कि लड़की पीसीओ से वो थी और उसका वेट बहुत बढ़ रहा था, और उसकी मदर मेरे को क्लिनिक में 3 या 4 बजे लेकर आई और सुबह से उस बच्चे को सिर्फ पानी पीने को दिया गया था। तो इस तरह की स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, जो ओवर स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, वो भी वर्क नहीं करती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट एंड इसको साइंटिफिकली डील करना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर ये जेनेटिक है, बिकॉज जेनेटिक प्रॉब्लम परसिस्ट करती है। कितनी बार हमने देखा है एक फैमिली के 2 बच्चे हैं, सेम डाइट सेम एनवायरमेंट है, पर एक का वेट बढ़ रहा है और एक अंडरवेट है। तो इसको हमें तो दीज टेस्ट आर वेरी प्रिसाइज एंड वो आपको क्लियरली बता देते हैं। लाइक जैसे हमारे कुछ पेशेंट्स का टेस्ट में आया कि उनको यूजली हम रेकमेंड करते हैं और वो बंद करने से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। तो इफ यू हैव अ जेनेटिक प्रॉब्लम, दीज टेस्ट आर वेरी इफेक्टिव एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट विद दैट। टेस्ट कर रहे हो आप, सलाइवा टेस्ट कर रहे हो, कौन सा टेस्ट? मैम सलाइवा टेस्ट कर रहे हैं जिसमें आई जस्ट हैव टू टेक अ टेस्ट ऑफ सलाइवा ऑफ द पेशेंट, जिसमें कि 3 घंटे तक उन्होंने कुछ खाया नहीं होता है, एंड देन टेस्ट एक्सेलरिस करके कंपनी है और वहां पे मैं वो भेज देती हूँ और हमारा 1 वीक में रिपोर्ट आ जाती है। तो वो फूड ग्रुप्स जीन्स के हिसाब से डिसाइड करके बता देते हैं कौन से आपको सूटेबल है कौन से सूटेबल नहीं है। वेरी गुड, and I'm getting very good results with that. How much does the test cost and cost kya hai? These tests are expensive. They start from 5,000 rupees and फिर groups हैं। आप कितना detailed test लेना चाहते हैं? But that we decide after counseling. वो company से लोग भी आ जाते हैं, उनको describe। हम एकदम से सबसे expensive test नहीं कराते हैं। We usually go for the basic one. Put it on the group chat, Rachna, and tell us about this. ये जो definitely group chat I'll share it with you. I'll share it. Okay. With you. Because sometimes girls are very fatty, very over obese. 90 kg, 14, 15 years old girls come with 90 kg weights. I have seen many of them. मैल न्यूट्रिशन एंड अंडर ईटिंग ज्यादा बड़ा कारण है, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है स्पेशली गर्ल, ये मतलब हम स्मॉल टाउन मेंटालिटी है, अगर हमारे घर में गर्ल है जो प्री मैरिज एज में है तो सबसे पहले पेरेंट्स उसका खाना पीना बंद कर देते हैं। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। उससे क्या होता है, बच्चा एक तो डिप्रेशन में जाता है जिससे उसके हॉर्मोन्स और डिस्टर्ब होते हैं, और वो इतनी लो कैलोरी और जीरो फैट डाइट पे हो जाती है विच इज मेकिंग द हॉर्मोन स्टेटस वर्स, मतलब वो प्रॉब्लम को इंक्रीज करने से बेटर और वर्स होती है। बच्चा चोरी छुपे खाता है स्कूल में कॉलेज में जाकर, और ऐसे में वो और जंक फूड ही खाता है। तो इस प्रॉब्लम को बहुत साइंटिफिकली हैंडल करना बहुत बहुत जरूरी है। इट कैन नॉट बी ओनली सिंपल कैलोरी रिडक्शन, इट हैज टू बी द राइट काइंड ऑफ फूड। सो नाउ द थिंग्स आर दिस कि फैमिली डायनेमिक्स एंड होम एनवायरनमेंट हैव लार्जर इफेक्ट ऑन द वेट देन द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज हैविंग ए वन
effect on the obesity, but what is your dynamics of the house? What are you eating? What are you doing is more important. Obesity is about 40% genetic and 60% environmental. तो जहां पे भी जेनेटिक है, वहां रचना ने भी बताया है क्या करना है, और जहां एनवायरमेंटल है वहां पे आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है. यू कैन सी दिस फोटो, दीज आर द टू चिल्ड्रन, बोथ आर ओबीज, एंड दीज आर द एडिपोसाइट्स. अभी हम थोड़ी देर पहले एडिपोसाइट्स की बात कर रहे थे, तो एडिपोसाइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये है कि जो एडिपोसाइट्स की जो सेल्स होती है, जो की हमारी ओबेसिटी के लिए जिम्मेदार होती है, उनका जो नंबर है वो बचपन में ही फिक्स हो जाता है, एडोलेसेंट एज तक फिक्स हो जाता है, उसके बाद एडिपोसाइट्स नंबर में नहीं बढ़ती. तो कई बार पेरेंट्स ये सोच के बच्चे को छोड़ देते हैं कि अभी तो हमारा बच्चा छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. तो जो बेसिकली एडिपोसाइट्स टोटल जितनी होती हैं हमारी बॉडी में, 30 बिलियन सेल्स होती हैं एडिपोसाइट्स की, और अप्रोक्सीमेटली 13.5 केजी वेट होता है इन ए नॉर्मल अडल्ट ऑफ द फैट. तो आप ये मान के चलिए कि यदि जितनी भी इसके बाद जो भी सेल्स बन रही हैं, वो जो नंबर हमारा जो बढ़ रहा है, नंबर नहीं बढ़ता है, नंबर तो फिक्स रहता है, लेकिन उसकी जो आई शुड से श्रिंक की जगह स्वेल करती है, जो सेल फूल जाती है उसके अंदर फैट जमा हो जाता है, वो होता है ओबेसिटी होने का. तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ओबेसिटी हमें क्यों होती है और किस एज में हमारे पास डिसाइडिंग फैक्टर है. एडोलेसेंट एज तक, चाइल्डहुड और एडोलेसेंट एज तक ही हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते. Now we are coming to what are the ways of measuring it. क्योंकि बाकी तो हम लोग देख चुके हैं, डॉक्टर नीजा ने बता दिया, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ दो चीजों की बात करूंगी. मैं ये बताऊंगी कि जैसे आपको अपना आइडियल वेट पता करना है कितना है, तो बहुत सिंपल तरीका एक ब्रोकाज इंडेक्स है, उसमें आपको क्या करना है कि आप अपनी हाइट लीजिए सेंटीमीटर में और उसमें से 100 माइनस कर दीजिए. जैसे मान के चलिए मेरी हाइट 155 सेंटीमीटर है और मैंने उसमें से 100 माइनस किया, तो मेरा वेट लगभग 55 केजी होना चाहिए. अब मान के चलिए मेरा वेट 55 नहीं है, 55 की जगह 62 है, इसका मतलब है कि मेरा वेट 7 केजी ज्यादा हो गया. रफ वे टू कैलकुलेट कि आपका वजन कितना ज्यादा है, इसको यदि आप याद रखते हैं तो इससे आप अपना वेट कभी भी निकाल सकते हो. ये बहुत आसान तरीका है वजन निकालने का. दूसरा तरीका, जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि बोन मैरो इंडेक्स होता है, BMI होता है, तो आपको मालूम है, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रही हूं कि वजन को किलोग्राम में लेके हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं. इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको आप गूगल पे निकाल सकते हैं, बड़े आराम से अपनी BMI निकाल सकते हैं. और एक बात आपके समझने के लिए, इसके बाद निकाल ली, अब BMI इंडिया में 19 से 23 तक नॉर्मल होती है. ये समझने की बात है कि 19 से 23 तक नॉर्मल होती है, और 23 के ऊपर जब BMI जाती है तो उसको हम ओवरवेट कहने लगते हैं. ठीक है, तो ये बाकी जगह ये जो मेजरमेंट है वो 25 तक है आउट ऑफ इंडिया, लेकिन इंडिया में 23 तक नॉर्मल है. और यदि हम वेस्ट सर्कमफ्रेंस की बात करें, तो वुमेन की जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो 35 इंचेस होनी चाहिए. 35 इंचेस से आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज्यादा जा रही है तो आप ओबेसिटी की तरफ अग्रसर हो रही है. ठीक है, तो बात आती है मीनोपॉज की. बेसिकली मीनोपॉज पे क्या होता है, हमारी बॉडी में दो तरह के मास होते हैं, एक फैट फ्री मास होता है और एक फैट मास होता है. जो फैट फ्री मास होता है वो हमारी बॉडी में मीनोपॉज तक पहुंचते पहुंचते कम होने लगता है, 3 kg की जगह सिर्फ 0.5 kg रह जाता है. और जो हमारा फैट मास है वो हमारी बॉडी में क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, यदि 1 kg की जगह 2.5 kg हो जाता है. तो धीरे धीरे हमारी जो बॉडी का कंफिग्रेशन है वो चेंज होने लगता है, फैट फ्री मास ज्यादा आने लगता है, सॉरी फैट फ्री मास हम ज्यादा लॉस करने लगते हैं और फैट मास हमारी बॉडी में ज्यादा आने लगता है. तो हमेशा प्री मीनोपॉजल और पोस्ट मीनोपॉजल में ये डिफरेंस होता है. और तीसरी दिक्कत जो आती है वो आती है लीन मसल मास हमारी बॉडी में डिक्रीज करने लगता है, जो 30-40% डिक्रीज करता है. अब नाउ द डॉक्टर वर्मा, यू हैव टू आस्क, वैसे ये बता रचना, आप बताएंगे बेटा कैसे करेंगे हम वेस्ट सर्कमफेरेंस मेजर. आई थिंक दिस शुड बी आस्क्ड टू द फिजियोथेरेपिस्ट, हाउ विल यू मेजर वेस्ट सर्कमफेरेंस. डॉक्टर तृप्ति, डॉक्टर, यस यस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. जैसे कि अभी निर्जा मैम ने बोला कि हम जो अपना वेस्ट सर्कमफेरेंस मेजर करना है वो कैसे करना है, कि एग्जैक्टली हमें अपना जो लास्ट रीब है वहां से एग्जैक्टली मेजर करके पूरा फूला के वो लेना है कि एग्जैक्टली जो वो हमारा वेस्ट का मेजरमेंट आएगा. ठीक है, सीधा बैठ के स्ट्रेट लास्ट वाला जो है रीब वहां से लेके मेजर टेप पीछे से पूरा करके वो मेजर करना है. यस मैम, ओके.
तो नहीं आपको मेजर करके दिखाओ तो पता चलता है वैसे। मेरे हिसाब से मेजर करके दिखाइए तो बेटर है। एक मिनट ना। Do you have tape? They are getting some. तो तब तक हम बता दें कि लाइक बीएमआई हमारा मेटाबॉलिक ये रेट हमारा बीएमआई जो हम मानते हैं 18.5 से नीचे हम अंडरवेट कहते हैं और इंडिया में 18.5 टू 23 इज नॉर्मल। देन वी गो इनटू द ओवरवेट कैटेगरी जो कि 23 टू 25 में हम ओवरवेट कैटेगरी में जाते हैं एंड 30 टू 35 इज द ओबेसिटी वन और फिर 35 के बियॉन्ड तो हम ओवर ओबीज हो जाते हैं और फिर मोर देन 40 इज मॉर्बिड ओबेसिटी। तो होपफुली हम अपने को इसी रेंज में रखें अराउंड 23 टू 25 दैट इज द बेस्ट। मैम आई वांट टू से समथिंग बट शुड आई टेल इट लेटर कि व्हाई आवर बीएमआई हैज बीन लोअर टू 23 इंसटेड ऑफ 25। आई जस्ट वांट टू यस टू डू यू कैन से जस्ट ओके Should I? Yes, yes. Please pick up. So basically, we are known as thin fat Indians. We look thin, but हम लोगों का जो fat, जैसा कि डॉक्टर आरती ने भी बताया, fat cells और उनका size बहुत बड़ा है compared to the Western world. So what is happening is that we are generally having a central obesity. आपने देखा होगा कि जितने भी मेल्स हैं हमारे कंट्री में हाथ पैर पतले पतले होते हैं लेकिन उनके पेट पे बहुत फैट हो जाता है और फैट सेल्स का साइज बहुत बड़ा होता है। तो बेसिकली अगर हम उनका वेट और हाइट के हिसाब से बीएमआई लेते हैं तो वो तो अंडर रहता है बट बिकॉज ऑफ द सेंट्रल ओबेसिटी वी आर गोइंग टूवर्ड्स ऑल द मेटाबॉलिक डिजीज लाइक डायबिटीज एंड अदर ब्लड प्रेशर एंड अदर डिजीज। और हम लोग को सबको पता है कि जहां हम लोगों का पेट पे फैट बढ़ेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है। तो उसको चेक में रखने के लिए इंडियन पॉपुलेशन के लिए बी एम आई को 25 से 23 पे लाए हैं और ये भी बहुत जरूरी है। ये हमारे एक और मैं बताना चाहूंगी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि हम लोगों का जनरली क्यों सेंट्रल ओबेसिटी होती है हमारे स्पेशली मेल्स का हाथ पैर पे एकदम पतले पतले होंगे और क्यों पेट पे ही फैट आता है। ये इसलिए होता है कि एंशियंट टाइम में क्या होता था कि जो तपस्वी और ऋषि मुनि होते थे ये लोग महीनों महीनों सालों व्रत करते थे फास्टिंग करते थे। तो वो क्या जब खाते थे तो ऑल द एनर्जी यूज टू बी स्टोर्ड ऑन देयर सेंटर पार्ट एंड जब वो फास्ट नहीं करते थे फास्ट तब उनको वहां से सेंट्रल पार्ट से जो फैट होता था उससे एनर्जी मिलती थी या जो सूखा पड़ता था तब भी ये होता था। बट नाउ बिकॉज दिस थिंग हैज इज नॉट हैपनिंग अब ऐसा कुछ नहीं होता है लेकिन अब वो हमारे जीन्स ऐसे हो गए हैं जिसके कारण हमारी सेंट्रल ओबेसिटी ज्यादा होती है। इस कारण से इंडिया इज नाउ बिकमिंग द कैपिटल ऑफ डायबिटीज एंड ऑल एंड इसीलिए हम लोग हमेशा वेस्ट सरकमफेरेंस को बोलते हैं कम रखो इतना ही रखो सो दैट की सेंट्रल ओबेसिटी हमारी ना बढ़े और हम लोग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की तरफ ना जाए। This is I wanted to tell you. So now I want to tell one thing to my all panelists. We have to be very crisp. We have to cover a lot. अभी exercise भी करनी है crisp और short होकर के important information देते हुए आगे बढ़ना है क्योंकि अभी बहुत cover करता है। ठीक है? आरती, I think हमें ये सारी चीजें अब बहुत emphasize नहीं करके ज़्यादा exercise के लिए करना है because उनको हमने specially बुलाया है। इसका इसको हम इसको करके ये दो तीन चार पांच स्लाइड से थोड़ा सा डाइट के बारे में या तो हम बाद में बात कर ले पहले एक्सरसाइज पे आ जाए। आई थिंक पहले एक्सरसाइज कर लो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ठीक है मैं अभी पहला थोड़ा सा इसका मतलब ये है कि व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ द वेट गेन। हम सब ये इस बारे में बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं बस हमें ये समझना है कि हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है इसकी वजह से पीसीओडी की बात कर चुके हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑस्टियोपोरोसिस भी वेट से रिलेटेड है गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं और कई तरह के कैंसर्स होते हैं जो कि वेट से रिलेटेड हैं स्पेशली आपका ब्रेस्ट कैंसर है आपका ओवेरियन कैंसर है आपका कोलोनिक कैंसर है देयर आर 10 और 11 और 12 कैंसर्स व्हिच आर रिलेटेड टू द वेट। और कार्डियक प्रॉब्लम में कोरोनरी हार्ट डिजीज जो हार्ट अटैक्स होते हैं वो आपको ज्यादा होते हैं हाइपरटेंशन में आपको स्ट्रोक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं बाकी आपको पता है कि डायबिटीज और पीसीओडी में वेट ज्यादा होता है और पीसीओडी आजकल कम वजन के साथ भी होने लगा है।
Now, these are the consequences I have told you. Now, fluctuation of weight and its effect on the hormones. हमें बात कर चुके हैं इसके बारे में भी हम. रचना, do you want to take it in very short? Yes, ma'am, definitely. मैं ये fluctuation of weight को बस एक point करना चाहती हूँ. आजकल क्या है, everybody wants to lose weight. और कभी कभी क्या होता है, वेडिंग कमिंग अप एंड ऑल, हम लोग कोई बहुत ड्रास्टिक मेजर्स ले लेते हैं, एक्सट्रीम डाइटिंग वगैरह करके वेट कम करते हैं. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरी टाइम वी लूज वेट, और अगर वो हमारा तरीका सही नहीं होता, डाइट और एक्सरसाइज का तरीका सही नहीं होता, तो जो हम वेट लूज कर रहे हैं उसमें हम बॉडी फैट की जगह बॉडी मसल यूज करते हैं, लूज करते हैं, जो कि हमारी इस एज में, मेनोपॉज की एज में, वापस रीगेन करना बहुत मुश्किल होता है. और हमारी बॉडी मसल इज द ओनली वे टू बर्न आवर बॉडी फैट. तो अगर किसी तरह की हम फैट डाइट से अपना बॉडी का मसल कम कर रहे हैं, तो हम आगे के लिए अपने लिए बहुत गंदे सर्कल में फंसते जा रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम बढ़ाते जा रहे हैं. एंड एवरी टाइम वी गेन वेट एंड लूज एंड गेन वेट अगेन, इट हैज अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन आवर हॉर्मोन्स एंड ऑन आवर हार्ट. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी मेजर यूज करें वो लॉन्ग टर्म हो, जिसको हम फॉलो कर सकें. एंड लूजिंग वेट से ज्यादा मेंटेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप 5 ही कम करके मेंटेन कर सकते हो तो 5 ही कम करो. ये फंक्शन के लिए ज्यादा कम वो करना इज वेरी वेरी हार्मफुल. डाइट नहीं होना चाहिए. और जहां तक इसके हॉर्मोन्स की बात है, तो हमें मालूम है कि थायराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. यदि थायराइड कम होता है तो हमारा वजन बढ़ता है, और मेनोपॉज पे एस्ट्रोजन कम होता है इसलिए वजन बढ़ता है. देयर इज वन मोर हार्मोन व्हिच इज लेप्टिन. तो जो लेप्टिन होता है वो अल्टीमेटली हाइपोथैलेमस पे जाके काम करता है और हमारे वेट को कंट्रोल करता है. आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल एंड नाउ आई एम कमिंग ऑन द मेनोपॉज. आई थिंक ये सब हम बाद में बात करते हैं, पहले हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, उसके बाद जब टाइम बचेगा तो हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड बताई जा चुकी हैं. बस मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि स्लाइड्स में वो कर रही हूँ तो कुछ चीजें बस बताना चाहूंगी इन स्लाइड्स में जो इम्पोर्टेंट है. दैट इज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ओबेसिटी जो है वो हमारे हर डिकेड के साथ बढ़ती है, और 70s में जाके ये कम होती है, अदरवाइज हमारा मेनोपॉज के साथ वेट गेन लगा ही रहता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स जो हमारे यहाँ होते हैं वो 10 से 20 साल पहले हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज. एंड इसका रीजन क्या है कि क्यों होते हैं, ये आपको मालूम है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो सैटाइटी लेवल है वो गड़बड़ हो जाता है, बीएमआर हमारा कम हो जाता है, और फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, और एसोसिएटेड कंडीशंस. एक तो हम काम करना बंद कर देते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है घर में बहू आ जाती है तो काम करना कम कर देते हैं. हमारी जो सैटाइटी लेवल का मतलब यह है कि पहले हम थोड़ा खा करके जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, तो हमारा सैटाइटी लेवल जो है वो अब पहले से बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है, बढ़ गया है, जबकि सैटाइटी लेवल कम होना चाहिए. और इसके अलावा जो फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और बाकी एसोसिएटेड कंडीशंस की दवाइयां वगैरह आप ले रहे हो, ऐसा माना जाता है कि एस्ट्रोजन से सैटाइटी लेवल को स्टिमुलेट, मतलब सैटाइटी जल्दी हो जाती है. एस्ट्रोजन जब कम हो जाता है तो सैटाइटी बढ़ जाती है, क्योंकि एंड्रोजन प्रीडोमिनेंट हो जाते हैं. मैम, सटाइटी के लिए मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि हमें 25 ग्राम्स ऑफ विजिबल फैट अलाउड है, एंड फैट का सबसे बड़ा रोल सटाइटी पे है. तो ये बहुत जरूरी है, हम वेट लॉस डाइट को जीरो फैट डाइट पे ना लेके जाएं, उससे हमें कभी सटाइटी नहीं मिलेगी, और अल्टीमेटली वो हमारे लेप्टिन हार्मोन को जरूर ट्रिगर करेगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फैट इन द फॉर्म ऑफ रॉ फैट, नो फ्राइंग, हम रॉ फॉर्म में फैट को इंक्लूड करें. रॉ फॉर्म में फैट इंक्लूड करना है. मैम देखिए, आजकल बहुत अच्छे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स अवेलेबल हैं, तो आप घर में भी एक बहुत सिंपल सी मशीन है, आप लगा सकते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल मेथड. ये जो हम रिफाइंड और ये सब ऑयल्स ले रहे हैं, दे आर वेरी हार्मफुल. तो उन ऑयल्स को अगर आप टेक्निक अपना सकें कि आप अपनी सब्जी को कम ऑयल में कुक करके बाद में 1 teaspoon ऑयल उसमें टॉस करें, इट्स अ न्यू टेक्निक जिसमें कि हम फैट को बर्न नहीं करते, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू किल नहीं करते हैं, एंड दैट फैट इज वेरी गुड फॉर आर बॉडी. वो हमारी बॉडी का फैट नहीं बढ़ाता है. सो दैट इज यूजिंग अ कोल्ड प्रेस ऑयल. बहुत तरह के ऑयल अवेलेबल है आगरा में भी, बाहर भी, एंड इधर वी कैन बाय अ स्मॉल मशीन. इट्स लाइक अ स्मॉल मिक्सी. एक तरफ आपने सीड डाला, दूसरी तरफ ऑयल निकला. इफ यू वॉन्ट लेटर आई कैन the details. I'm using at home from the past 2 years. And secondly, ghee bhi jo hum use kar rahe hain raw form mein, usko hume chhaka uka nahi lagana hai. Dal bana li, uske baad usme aadha chammach dal diya. Uska hume hormones ke liye health benefit bahut hai. Very good. Chitra, this is something new. Yeah, you share. Rachna, ye jo machine bhi hai, ye bhi share karna. And it's very effective. हम लोग खुद ही अपना oil निकाल रहे हैं. And trust me, I'm like in a Banya family, and triglycerides have always been a problem. But जब से हम homemade oils खा रहे हैं, हम सब का cholesterol is under control. My whole family. We've got very good results with that.
चित्रा मैम व्हाट इज द नेम ऑफ मशीन व्हाट इज द नेम ऑफ मशीन मैम आई बॉट इट ऑनलाइन आई विल शेयर यू हां अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डिटेल्स डाल दूंगी या या प्लीज प्लीज गिव द डिटेल्स थैंक यू नाउ दिस इज अ क्वेश्चन चित्रा मेरा थोड़ा सा जो इसमें एस्पेक्ट डिफरेंट है मुझे ये लगता है कि जब हम मेनोपॉजल एज ग्रुप की बात करते हैं और वेट गेन की बात करते हैं तो वहाँ स्ट्रेस का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो लाइफ एक चेंजिंग सिचुएशन में होती है बच्चे सेटल हो रहे होते हैं बुजुर्ग जो है वो बीमारी में या एज में आ जाते हैं तो जो जो घर की महिला होती है जो उस समय माँ है और बहू है उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है तो वो एक अंडर स्ट्रेस वुमन होती है क्योंकि वो समझ नहीं पाती है कि मैं स्ट्रेस में हूँ तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जो कि महिलाएं नहीं समझ पाती हैं तो इसमें एक तो वो कम्युनिकेशन रखें अपने फैमिली मेंबर से सहेली से और अगर कोई नहीं मिलता है तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें कि मुझे ऐसी ऐसी फीलिंग्स होती हैं क्योंकि 40 से लेके 60 तक की एज में महिलाएं बहुत ज्यादा या तो इग्नोरेंट फील करती हैं या अपने आप को कमजोर फील करते हैं वो वाला पार्ट फिर उनको स्ट्रेस में ले जाता है नींद कम हो जाती है और भूख बढ़ जाती है जिससे कि उनका वेट बढ़ने लगता है और एक जो मुझे आजकल जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो मास्क पहनना जो मास्क हम कोरोना से बचने के लिए पहनते हैं वो मास्क हमें कुछ खाने से भी रोकता है जो हमें मंचिंग से रोकता है तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जब मैं घर में मास्क पहनने लगी तो मेरी मंचिंग रुक गई तो ये मैं बहुत अच्छे से शेयर करना चाहती हूँ कि आप मास्क आपका वेट गेन भी कम कर सकता है ओवर टू यू डॉक्टर आरती Rekha, would you like to take this question, ideal menopausal diet, in short? Dr. Rekha? मेनोपॉज डाइट में इन्होंने बहुत अच्छा बताया है आइडियल यही है कि 50-60% डोंट रिड्यूस टू टू लो ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइट बिकॉज कार्बोहाइड्रेट का भी एक हम लोग बोलते हैं स्वीट स्पॉट जहाँ पे स्टाइटिटी होती है और बहुत अगर हम लो कार्ब में जाएंगे मेनोपॉजल में तो और तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बिकॉज फाइबर लेस हो जाता है विटामिन लेस हो जाते हैं हाइपोविटामिनोसिस हो सकता है मिनरल्स कम मिलते हैं सो डोंट गो इन फॉर अ वेरी वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट कार्बोहाइड्रेट हम लोग 50 से 100 ग्राम मिनिमम लेने चाहिए इन अ डे इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेट लॉस ऑल्सो और हमारा फैट ऑफकोर्स फैट गुड फैट्स हम लोग को बहुत आइडियल है ट्राई टू टेक ड्राई नट्स वो एक हमको बहुत अच्छा वो देते हैं और शाम का स्नैकिंग अगर आप एक मुट्ठी भर ड्राई नट्स का लीजिए एंड सीड्स आजकल डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स आ रहे हैं प्लीज ट्राई टू हैव दोज वो आपको एक गुड हेल्दी फैट्स देते हैं फैट्स जरूर लीजिए बिकॉज वी नो कि देर आर सर्टन विटामिन विच आर सोलेबल इन ओनली फैट तो वो लेना आपको बहुत जरूरी है फ्रूट्स जरूर लीजिए फ्रूट्स का भी डोंट डू ओवरडोज ऑफ फ्रूट्स बिकॉज वी नो फ्रुक्टोज कैन बी हार्मफुल इफ वी टेक एन एक्स्ट्रा तो 1-2 पोर्शन ऑफ फ्रूट्स इज वेरी इनिशियल बट मैं अगर वेट लॉस की डाइट के बारे में बात करते हैं तो एक बनाना के बजाय आप 4-8 pieces ऑफ वाटरमेलन ले लीजिए जिसका ग्लाइसेमिक लोड कम है तो उससे आपका वेट लॉस बेटर होगा अगर आप एक नारियल पानी ले लेते हैं तो 200 ml नारियल पानी में आपको केवल 48 कैलोरीज लेनी है तो इस तरह का अगर हम डाइट थोड़ा सा मिक्स मैच करके और थोड़ा सा पहले प्लान कर लें या एक हेल्प ऑफ अ डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट ले लें तो यू कैन रियली प्लान योर मेन्यू इन 1200 कैलोरीज आप अच्छे से दिन भर 6 meals I mean 3 snacks एंड 3 meals अच्छे से ले सकते हैं और आपको भूख भी नहीं लगेगी एंड यू विल हैव अ हेल्दी वेट लॉस एंड आई थिंक बहुत अच्छे से अब हमने डाइट डिस्कस कर लिए वी शुड गो टू एक्सरसाइजेस नाउ ओके मैं छोड़ देती हूँ उसको आई एम मूविंग टू द एक्सरसाइज फिर चल जाएगा एक्चुअली यहाँ पे ट्रांस फैट के बारे में बताना चाह रही थी बाद में बताऊंगी नाउ आई एम मूविंग टू द एक्सरसाइज एंड आफ्टर एक्सरसाइज वी विल सी कि क्या रह गया फिर बात करेंगे ठीक है अभी हमारे इसमें Now I'm coming to the exercises. We know the exercises may be aerobic, anaerobic, resistance training, weight bearing, isometric exercises and isotonic exercises. Now, अब हमको ये समझना है कि हमें minimum कितनी exercise करनी है. तो सबसे important चीज़ ये है कि जो आपको exercise करनी है, वो कम से कम आपको 30 minutes per day करनी है अगर आप अपने आप को chronic diseases से बचाना चाहते हैं तो. और 60 per minute करनी है कि यदि आप weight gain रोकना चाहते हैं और 60-90 per minute करनी है यदि आप बढ़े हुए वेट को रिगेन होने से बचाना चाहते हैं जैसे कि आपने कम कर लिया फिर आप चाहते हैं वेट रिगेन ना हो तो उसके लिए आपको 60-90 मिनट तक 1.5 घंटे एक्सरसाइज करनी है
और ये देखा गया है इवन 10 से 12 मिनट की एक्सरसाइज यदि आप हफ्ते में 5 दिन करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है एज कम्पेयर टू नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज. तो आप चाहे थोड़ा सा एक्टिव हो लेकिन एक्टिव जरूर हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसके आगे जो चीज आती है वो आती है कि आप फिजिकल एक्टिविटी को मेजर कैसे करोगे, आप कैसे ये पता करोगे कि आप कितनी एक्टिविटी कर रहे हो. मैं आपको सिर्फ उन चीजों के बारे में बताऊंगी जो प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं, थ्योरेटिकली हम किसी चीज की बात नहीं करेंगे. तो एक चीज होती है टॉक टेस्ट. टॉक टेस्ट क्या होता है, जब आप वॉक के लिए जाते हैं और जब आप वॉक करते हैं, मान के चलो आपने कई बार देखा होगा बाहर आदमी वॉक कर रहा है बस आराम आराम से चला जा रहा है, हो गई उसकी वॉक. तो टॉक टेस्ट में क्या होता है, जब आप आराम से जा रहे हैं किसी पे किसी से फोन पे बात कर रहे हैं और आराम से फोन पे बात कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है जो आप एनर्जी जो आप वेस्ट कर रहे हैं वो मिनिमम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना. और इसके बाद यदि आपको बात करते करते बीच में यदि आप फोन पे बात कर रहे हैं और बात करते में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसका मतलब है कि आप मॉडरेट इंटेंसिटी से वॉक कर रहे हैं. और एक होती है हाई इंटेंसिटी. हाई इंटेंसिटी का मतलब यह है कि बात करते में आपकी सांस फूल रही है, आप आराम से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बताती है कि आपकी जो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, मतलब इंटेंसिटी जो है मॉडरेट से ज्यादा है. तो मैं आप बिगनेस इंटेंसिटी है. दूसरी चीज जो आपको पता करनी है वो ये पता करनी है कि आपको मैक्सिमम कितनी हार्ट रेट रखनी है. आजकल हम लोग उसके ऊपर बहुत चलते हैं वॉकर के ऊपर. जब आप जिम में जा रहे हो वॉक कर रहे हैं तो उस समय आपको ये पता होना चाहिए यदि आप 220 में से पेशेंट तेज निकाल देते हैं तो आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट आ जाती है. जो मैक्सिमम हार्ट रेट आ जाती है उसका 50-70% आपको मेंटेन करना है तो आप जो है मॉडरेट एक्टिविटी पे जाते हैं. इसका कैलकुलेशन मैं नहीं बताऊंगी, जिसे पूछनी हो बाद में पूछ सकता है. और एक चीज और होती है जो कि आजकल आप अपने मोबाइल पे देखते हैं, जब आप काम करते हैं तो आप देखते हैं स्पेशली जब आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन पे लिखा हुआ आता है मैट, तो हमें पता ही नहीं होता मैट क्या होता है. मैट एक्चुअली मैट है क्या, जब आप आराम से बैठे हैं आराम से किसी पे फोन पे बात कर रहे हैं बिल्कुल कंफर्टेबली जब आप बैठे हैं उस समय जो एनर्जी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको जो मेजर करते हैं उसको मैट में नापते हैं. तो आप ये मान के चलो यदि आपका मोबाइल ये बता रहा है कि आपकी जो एक्टिविटी 3-6 मैट की है तो आप मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं. और यदि आपकी एक्टिविटी मोर देन 6 मैट है इसका मतलब है क्या विग्रस इंटेंसिटी वाली फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं. तो दीज आर द थिंग्स, बहुत सिंपल सी थिंग्स हैं. मैट आपके मोबाइल पे आता है आपको पता नहीं होता क्या होता है. टॉक टेस्ट मैंने आपको बताया और एक मैक्सिमम हार्ट रेट बताई. अब इसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग इस चीज के चक्कर में फंसते हैं कि हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए. यूजली मोस्ट ऑफ द अस आर डूइंग वॉकिंग. सबसे पहली बात तो ये ना कुछ करने से आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो वॉकिंग ही कर रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन स्टार्ट योर एक्सरसाइज विद वॉकिंग बट स्लोली यू शुड मूव टू द एनएरोबिक एक्सरसाइजेस एंड द रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस. जैसा कि रचना ने बताया कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो एक्सरसाइजेस होती है वो मेनोपॉजल एज बढ़ने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सिर्फ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस से आप अपने मसल मास को बचा सकते हैं और मसल मास बचाना हमारा एम होना चाहिए. तो स्टार्ट में तो आप वॉक कर सकते हैं स्विम कर सकते हैं लेकिन ये देखा गया है कि वोन मास स्विमिंग में, हम लोग स्विमिंग को बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानते हैं लेकिन एक स्टडी हुई है उसमें बाकायदा देखा गया है कि वो औरतें जो रेगुलर स्विम करती हैं और वो औरतें जो स्विम नहीं करती हैं उन दोनों के वोन मास देखे गए तो दोनों के वोन मास सेम पाए गए. इसका मतलब है कि स्विमिंग आपके वोन मास को नहीं बचा रहा. इसी तरह से नॉर्मल वॉकिंग आपके वोन मास को नहीं बचा रही. यदि आप वॉकिंग बहुत ज्यादा तेजी से करते हैं विद ग्रेट इंटेंसिटी करते हैं तो दैट में कन्वर्ट टू द एनएरोबिक एंड दैट कैन हेल्प यू. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको एक्सरसाइज करनी है तो कौन सी करनी है. तो दिस इज द बेसिक वॉकिंग एंड स्विमिंग जिसके बारे में मैंने आपको बताया. तो बाकी जो एक्सरसाइजेज होती है वो इम्पैक्ट ट्रेनिंग होती है जो हमें बताएंगे आपके जो अभी मैं डेमोन्स्ट्रेट कराऊंगी. लेकिन आपको ये समझना है कि वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती है. एक बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है, 6-8 इंच का आप स्टूल लीजिए और उस स्टूल पर चढ़िए और चढ़ के उतरिए. दिस इज द इम्पैक्ट एक्सरसाइज और ये आपके मसल्स को भी बचाएगा. तो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. इसके अलावा आप लेग प्रेस कर सकते हैं, स्क्वाट्स, बैक एक्सटेंशन. देयर सो मेनी एक्सरसाइजेस, फ्यू ऑफ द एक्सरसाइजेस विच विल बी यूजफुल टू यू और जो कि आप बिना जिम के कर सकोगे उनको हम अभी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे आपके सामने. अब हमारा क्या होना चाहिए ये जैसे कि मैं आपको बताऊं तो इसके बाद में बाद में आती हूँ.
मैं ये बताना चाहती हूँ, जो एक्सरसाइजेज होती है वो हमारी दो तरह की होती है, एक मस्कुलर स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज होती है और एक मस्कुलर एंड्योरेंस होती है। मस्कुलर स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत हैवी वेट उठाते हैं और जिसमें बहुत कम रिपीटिशन करते हैं। रिपीटिशन हमारा कम होता है, वेट बहुत जितना ज्यादा उठा सके मैक्सिमम उतना वेट उठा करके जो एक्सरसाइज करते हैं वो हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ को मेंटेन करती है। दूसरी चीज होती है मस्कुलर एंड्योरेंस। जो मस्कुलर एंड्योरेंस होती है उसमें क्या होता है, हम लाइटर वेट उठाते हैं लेकिन रिपीटिशन बहुत ज्यादा करते हैं। तो जो एंड्योरेंस होती है, एंड्योरेंस की जो जरूरत पड़ती है यूजुअली स्पोर्ट्स के लोगों को पड़ती है, जिन्हें लंबा दौड़ना है, लंबा भागना है, रिपीटेड एक्सरसाइज करनी है, उन लोगों के लिए एंड्योरेंस की वैल्यू होती है। हम सब लोगों के लिए ज्यादा वैल्यू मस्कुलर स्ट्रेंथ की है, उसको हम कैसे कर पाए वो एक अलग चीज है, लेकिन हम लोगों के लिए वैल्यू जो रखती है वो मस्कुलर स्ट्रेंथ रखती है।